पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि वो एलन मस्क को ट्विटर के वेरिफिकेशन के लिए $8 पर मंथ नहीं बल्कि $80 पर मंथ देने को तैयार है। विजय शेखर शर्मा ने कहा कि वो ट्विटर पर नकली पेटीएम के अकाउंट से परेशान है। ऐसे में अगर ट्विटर पेटीएम के कस्टमर केयर के नकली अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा तो वो $8 के बजाय $80 तक का शुल्क देने के लिए रेडी है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम के नकली कस्टमर केयर हैंडल के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि एलन मस्क, अगर आप कंपनियों के फेक अकाउंट्स पर लगाम लगाने में सफल होते हैं तो मैं ट्विटर को वेरिफिकेशन शुल्क $8 के बजाय $80 देने को तैयार हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग पेटीएम की कॉपीराइट वाली डीपी लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि लोग ट्विटर पर पेटीएम का फेक कस्टमर केयर अकाउंट बनाकर लोगों को गलत जानकारी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेटीएम के किसी सर्विस के लिए शिकायत दर्ज करता है तो ये फेक हैंडल उन्हें कस्टमर केयर के नाम पर गलत नंबर भेज देते हैं। जब ग्राहक इन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करता है तो वो उनकी पर्सनल और बैंक डिटेल्स को चुरा लेते हैं। इसके बाद वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर की ब्लू पेड सर्विस 2 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी। अब इस सर्विस में ट्विटर ने कुछ बदलाव किए हैं। अब इस सर्विस का गलत इस्तेमाल ना हो सके इसलिए ट्विटर चेक मार्क एक से ज्यादा कलर्स में दिखेगा। कंपनी के लिए ट्विटर चेक मार्क का कलर गोल्डन कलर का होगा, गवर्नमेंट के लिए ग्रे कलर का, आम आदमी के लिए ब्लू कलर का होगा। हाल ही में ट्विटर के ब्लू टिक पेड सब्सक्रिप्शन पर बड़ा विवाद हो गया था जब एक फेक अकाउंट को ब्लू टिक मिल गया था। इसके बाद इस अकाउंट से फार्मा कंपनी एली लिली के नाम पर ट्वीट किया गया था। इसके बाद कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई थी और उसे करोड़ों का नुकसान हो गया था। इसके बाद ट्विटर ने ब्लू टिक सर्विस पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी थी।